अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और टाइम देखो पहले आप लोग, 8:27 जो है ना वो हो चुका है और मैं अभी अपनी सोसाइटी में, देखो थक गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी गाड़ी रात मैंने गाड़ी धुलाया और भाई साहब धुलाते ही बम्बई में बारिश पड़ गई और वहाँ से आते हुए गाड़ी वापस से हो गई थी गंदी। तो मैंने अभी थोड़ी क्लीन कर ली है, मतलब कांच वाँच पूरा क्लीन कर लिया और अभी अपनी सोसाइटी में नीचे आके बैठा हूँ। गाड़ी कर दिया है मैंने स्टार्ट, हो जाएगी गर्म, लगभग हो ही गई है क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा स्टार्ट करके हो गया है। और अभी जा रहा हूँ मैं खारघर। आज दिन है मंडे का, बहुत ज़्यादा बुकिंग का रश का दिन था, लेकिन रात लेट होने की वजह से मतलब 12:30 बज गए मेरे को सोने में, तो इसके लिए मैं लेट सो के उठा हूँ अभी। तो अभी निकल रहा हूँ। नसीम देखो खड़ा है यहीं पर, ये देखो ये 4020 गाड़ी जो है ना। अरे अंकल हट जाओ यार, ये गाड़ी जो है ना नसीम की है शायद, ये भी रात लेट में आया है। तो अभी निकलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कहाँ की बुकिंग आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छी अर्निंग और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ आपको, जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने नहीं किया बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे। और CNG देखो भाई साहब, CNG जो है ना इतनी बची है खाली, तो इसके लिए पहले मेरे को CNG जो है ना वो रिफ़िल कराना है और फिर जो है ना काम पे निकलना है। चलो गाइस देखो, ये अपने को ना फिर से एक बुकिंग आ चुकी है और टाइम 12:05, ठीक है 12:05 हो गया और आधा घंटा मेरे को यहाँ पे ड्रॉप करके हो गया था। आधे घंटे के बाद ये बुकिंग आई है और ये शायद परेल की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से बुकिंग कोई नहीं आ रही थी। तो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई कोई भी एक बुकिंग यहाँ से लेके निकल जाता हूँ। और ये खारघर से जो है ना मेरे को कितना 7:35 कुछ दिखाया था और मिला कितना है 6:92, और इसमें टाइम लगा 1:50, 47 किलोमीटर। तो अभी अपने कस्टमर जो है ना वो आ गए हैं, ये देखो ये आ रहे सामने और मैं आप लोगों को बताता हूँ, आगे की अपडेट देता हूँ बाद में। तो भाई टाइम देखो पहले आप लोग, 4:53 हो गया है और मैं अभी मलाड, और काफ़ी टाइम हो गया आपको इन्फॉर्मेशन दे के, बट क्या बताऊँ 11 किलोमीटर लगभग 1 घंटे में मैंने ड्रॉप किया, मैं आपको दिखाता हूँ। और पैसा कितना मिला 235, ये देखो 1:01 11 किलोमीटर, और ये दिखा रहा 16.7, और कितना था ये 19 किलोमीटर 222 में। और उसके पहले एक ये ड्रॉप किया 459 गो सेडान 1:46 में। क्या हालत हो गई है यार भैंसर, ये देखो 1 hour 52 minutes 692 47 टोल का, और लिया है कंपनी ने 707 रुपया, बाकी का अपनी जेब से भर के दिया। टोटल अर्निंग 1610 रुपये की हुई है और मैं बोरीवली, शायद ये न्यू लिंक रोड है यहाँ पे हूँ। और भाई साहब बुकिंग अभी तक एक भी नहीं बजाया, यहाँ पे ड्रॉप किया मैंने प्रीमियर में, और मंडे का दिन है क्या, कौन सा दिन है पता नहीं चल रहा है। वैसे मोस्टली मंडे को देखा गया कि शाम को काम जो है ना वो नहीं रहता है, बट अब आज हो पाएगा कि नहीं पता नहीं। 5 बज चुके हैं, 5:05 का बाकी है और अर्निंग 1610 रुपये की, बड़ी मुश्किल में अर्निंग की है भाई, इतनी भी बड़ी मुश्किल में की है। एक एक डेढ़ घंटा लग रहा है बुकिंग छोड़ने का और 200 रुपये मिल रहा है, क्या ही कर सकते हैं भाई। और CNG देखो आधी से ज़्यादा कम हो गई है, ये देखो, ठीक है। तो अभी तो CNG वैसे भराने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि पता नहीं कब तक काम कर पाऊँगा कब तक नहीं कर पाऊँगा। सोच रहा हूँ यहाँ से फोर्ट साइड की बुकिंग आ जाए तो फोर्ट से कोई अच्छी सी बुकिंग लेके निकल जाएंगे, बट अभी कोई भरोसा नहीं कहाँ की आएगी कहाँ की नहीं आएगी। तो आज कितनी अर्निंग हो पाती है वीडियो में लास्ट में बताएंगे आपको, तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे। चलो भाई ड्रॉप हो गया अपना मुलुंड ईस्ट, और अभी तक मैं मुलुंड ईस्ट में ही बैठा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मुलुंड ईस्ट में ही बैठा हुआ हूँ, कोई बुकिंग अभी तक नहीं आई है। एक्चुअली आ रही थी बुकिंग, 3-4 दफ़ा आई है मेरे को, बट विट्ठल वाली कल्याण मैंने नहीं लिया। 30 किलोमीटर 1.5 घंटा दिखा रहा था मेरे को और 626 रुपया प्रीमियर में थी, नहीं लिया मैंने, क्योंकि अभी जो है ना 8:45 हो गया है, 8:45। और ये बुकिंग लेके आया हूँ मैं कहाँ से पता है, 425 रुपया मिला इसमें मेरे को, और 19 किलोमीटर का गो सेडान में चेंबूर से, ठीक है मुलुंड ईस्ट। अब यहाँ से देखता हूँ कोई बुकिंग कहाँ की आती है, या तो मेरे को
फोर्ट आ जाए अच्छी बुकिंग, या फिर नहीं तो यहाँ से नवी मुंबई में कहीं की भी आ जाए। कहाँ की आएगी पता नहीं, फिक्स कुछ नहीं है। ओला उबर इन ड्राइवर तीनों मैंने चालू कर दिया है। इन ड्राइवर में भी देखेंगे, आएगी तो जाएंगे, नहीं तो क्या ही कर सकते। जब आएगी नहीं तो क्या ही कर सकते। देखो अंबरनाथ MIDC दे रहा है, अंबरनाथ MIDC दे रहा है 33 किलोमीटर 550, उबर गो और 1 घंटा 25 मिनट। कौन लेगा ये बुकिंग आप बताओ? अंबरनाथ की तो लेने जैसी नहीं है बुकिंग। चलिए फिर देखते हैं कहाँ की आती है, बताता हूँ आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो भाई फाइनली पहुँच गया हूँ घर पे, और टाइम जो है ना 11 बज चुके हैं, मतलब 10 मिनट मेरे को लगभग हो गया था, तो थोड़ा सा मार्केट में रुका तो उसकी वजह से 10-15 मिनट लेट हो गया हूँ। और दाढ़ी देखो मेरी कितनी बड़ी हो गई है, बाप रे, टाइम भी नहीं मिल पा रहा मेरे को सेविंग बनाने का। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अर्निंग जो है ना भाई, देखो मुलुंड से गया मैं घाटकोपर, और घाटकोपर से मेरे को मिला सीधा खारघर, खारघर सेक्टर 35 मिला, मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया, उसमें मेरे को मिला 399 और 29 किलोमीटर, ठीक है। और मुलुंड का मिला मेरे को 285 मिला मेरे को 15 किलोमीटर का, मुलुंड से घाटकोपर ईस्ट, मुलुंड ईस्ट से घाटकोपर ईस्ट 15 किलोमीटर का, और कुल 28 मिनट में मैंने वहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। अर्निंग 3,300 रुपये हो गई है, 2 रुपया कम उसमें, मतलब 3,298। और CNG लगभग लगी है 800-850 रुपये की, क्योंकि भरा ही नहीं है अभी मैंने, तो 800-850 रुपये की CNG गई है, 3,300 की अर्निंग हुई है आज। बहुत मुश्किल से मतलब इतनी अर्निंग करी है, नहीं तो अर्निंग का कोई ठिकाना नहीं हो रहा था। मेरे को तो लग रहा था आज 2200-2500 पर काम अपना निपट जाएगा, बट फिर भी वो मुलुंड से जो मेरे को वहाँ के लगे वहाँ से यहाँ लगी, उसमें उसकी वजह से मेरी अर्निंग हो गई है। चलिए फिर कैसा लगा आज का शेड्यूल प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे।